दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह आंधी के साथ हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई। कई यात्रियों को एयरपोर्ट की बसों में ही बैठकर रखा गया। कई उड़ानें डाइवर्ट किए जाने की भी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट के अनुसार खराब मौसम व संबंधित कारणों से सुबह करीब 9 बजे तक 40 उड़ानें लेट हुई, जबकि दिल्ली से आने वाली 18 उड़ानों में भी देरी हुई। 2 उड़ानें निरस्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट कर कहा कि खराब मौसम के कारण उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो अपनी फ्लाइट के बारे में अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें। गो फर्स्ट के एक यात्री ने बताया कि हमें एयरपोर्ट के रनवे के पास 1.5 घंटे तक बस में बैठाकर रखा गया। हमें न तो विमान में बैठने दिया गया और न ही टर्मिनल भवन ले जाया गया। बस में कई बुजुर्ग व बीमार यात्री भी थे, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि मौसम पर किसी का बस नहीं है, लेकिन एयरलाइंस का कुप्रबंधन सामने आया। 1.5 घंटे तक बस में बैठे यात्रियों की किसी ने सुध नहीं ली। यदि उन्हें टर्मिनल भवन के पास ही ले जाया जाता तो परेशानी नहीं होती। करीब 7:30 बजे उन्हें विमान में बैठने की इजाज़त दी गई। इसके बाद भी ये नहीं बताया गया कि दिल्ली से ये विमान उड़ान कब भरेगा। पश्चिम विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर के बड़े हिस्से में आंधी के साथ भारी वर्षा हुई। मौसम खराब होने से सड़क व हवाई यातायात बाधित हुआ है। सूत्रों ने कहा कि सुबह की उड़ानों से आने जाने वाले सैकड़ों यात्रियों पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों को रीशेड्यूल किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स को जयपुर व अन्य एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि समीप के हरियाणा व यूपी के भी कई शहरों में आज आंधी के साथ तेज वर्षा हुई। आंधी में कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ते बंद हो गए, इससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई जगह जलभराव भी हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को आज सुबह बड़ी राहत मिली। सुबह से हो रही झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश के साथ जोरदार हवाओं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा। खराब मौसम के कारण हवाई यात्रियों को एयरलाइंस कंपनियों से लगातार संपर्क में बने रहने को कहा गया है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन शुक्रवार और शनिवार शाम को राजधानी के कई इलाकों में जहां धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। वहीं सोमवार सुबह 4:30 बजे के बाद से मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला और दिल्ली के अधिकतर इलाकों में तेज आंधियां चलने लगी और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।